तो लीजिए हाजिर हूं मैं एक नए एपिसोड के साथ मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स हमारे नए सेट पर। जैसा हमने कहा था हमारा काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब वो टाइम आ गया जब आपको रोज वीडियो मिला करेंगे क्योंकि हमारी तैयारी हो गई पूरी, हमारा ऑफिस हो गया रेडी। तो ये एपिसोड खास बॉबी देओल के लिए। भाई साहब डेट नहीं मिल रही है आजकल, मैं सच बता रहा हूँ, प्रोड्यूसर्स लाइन लगा के खड़े हैं और अब बात हो रही है कि भाई बॉबी देओल प्लीज डेट दे दो, हमें साइन करना है आपके साथ में। ताज़ा खबर यह है, इस बीच में जब मैं वीडियो नहीं बना रहा था तो बॉबी देओल ने अनुराग कश्यप के साथ, सानिया मल्होत्रा के साथ फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। हाँ हाँ, वही अनुराग कश्यप वाली फिल्म जिसके लिए कई लोग मना कर रहे हैं कि भाई बॉबी देओल को अनुराग कश्यप के साथ काम करने की जरूरत क्या है। मैंने पहले ही कहा था बॉबी देओल इस समय हर रोल को बहुत सोच समझ कर चूज कर रहे हैं और अनुराग कश्यप के साथ अगर रोल चूज किया है तो यकीन मानिए कुछ ना कुछ उनके दिमाग में होगा और कहानी में होगा। और कहानी किस बेस पर है? कहानी है रियल लाइफ इवेंट्स के ऊपर। लेकिन क्या है इसका खुलासा अनुराग कश्यप ने नहीं किया, लेकिन तो जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरे पास खबर है, वो ये है कि वो जो जिस तरह के स्कैम्स आजकल चल रहे हैं उसी तरह के स्कैम की एक कहानी है और बॉबी देओल ने इसके अंदर शूटिंग शुरू कर दी है, ऐसी खबर आ रही है सामने। हालांकि ऑफिशियल कन्फर्मेशन अभी कहीं से भी नहीं आया है, तो जब ऑफिशियल कन्फर्मेशन आएगा वो आपको हम जरूर लेकर आएंगे। लेकिन अच्छी खबर है इसलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि बॉबी देओल की शूटिंग शुरू हो गई अगली फिल्म की और जिस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है वो आप सब जानते हैं, कंगवा कंगवा कंगवा, तमिल फिल्म, सूर्या स्टारर फिल्म जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। भाई साहब मैं आपको पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था और इस वीडियो में भी मैं कह रहा हूं ये फिल्म सुपर हिट होने जा रही है। बड़े बजट की फिल्म बेशक है लेकिन इस फिल्म को कोई रोक नहीं सकता, इस फिल्म में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। जिस तरह के सीक्वेंस शूट हुए हैं, जिस तरह का पूरा सिनेरियो दिखाई दे रहा है टीजर के अंदर, पोस्टर्स के अंदर, और जिस तरह का प्रमोशन किया गया लंबे समय से, भाई साहब अब बॉबी देओल अगले कुछ दिन में बिजी होने वाले हैं इसके प्रमोशन के अंदर, क्योंकि बहुत जल्द, बता रहा हूं बहुत जल्द इसकी डेट सामने आने वाली है जब कंगवा के बारे में कहा जाएगा कि कंगवा का डेट अनाउंस होगी और उसके बाद तो भाई साहब तहलका मचना तय है, तय बता रहा हूं आपको। और वो टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, जून जुलाई अगस्त तक नहीं जाएगा, जून जुलाई के अंदर, मतलब अगले कुछ दिनों के अंदर इलेक्शन खत्म होते होते आपको डेट का पता लग जाएगा। और उसके अलावा जो खबर आ रही है वो ये है कि भाई सैफ अली खान के साथ भी बॉबी देओल नजर आने वाले हैं। हालांकि थोड़े फैंस को थोड़ा सा लगेगा कि इसके अंदर भी अगेन एक नेगेटिव कैरेक्टर के अंदर नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, प्रियदर्शन है फिल्म के अंदर, प्रियदर्शन की फिल्म है, सैफ अली खान है और सैफ अली खान कहा जा रहा है इस फिल्म में ब्लाइंड का किरदार निभाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर कहानी यह है जो मैं आपके लिए एपिसोड लेकर आया हूं कि भाई बॉबी देओल के पास इस वक्त टाइम कम है। उधर आपको मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया था हरिहर वीरा मल्लू, उसका काम भी चालू हो चुका है, वो पीछे चला गया था थोड़ा सा लेकिन अब ऑन द ट्रैक है। इलेक्शन खत्म होते होते आपको चारों तरफ ये शोर सुनाई देना शुरू हो जाएगा कि बॉबी बॉबी बॉबी। तो चलिए, फैंस के लिए डेफिनेटली खुश न्यूज है, खुशखबरी है, और जो हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं उन सबके लिए भी कहीं ना कहीं खुशखबरी है कि हमारा ऑफिस का सेटअप अब रेडी हो चुका है। अगला वीडियो जो मैं लेके आऊंगा वो आपको इसी ऑफिस के सेटअप से लेके आऊंगा कि कैसे हमने तैयारी करी है, कैसे क्रोमा किया है। बहुत जल्द एक हम व्लॉग शुरू करने वाले हैं कैसे आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं और कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, जिसमें ऑडियो भी होगा, वीडियो भी होगा, सब चीजों के बारे में बात करेंगे, पूरा व्लॉग लेके आएंगे, पूरी सीरीज लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे फोन मेरे पास आते हैं लगातार, आप लोग कह रहे हैं कि भाई हम भी यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं। तो चलिए हम साथ में काम करेंगे, आप और हम अलग अलग थोड़ी, हम तो दोस्त हैं, तो हम ये काम करेंगे, जरूर करेंगे और साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए नमस्कार इस एपिसोड में, और उम्मीद करते हैं आपको एपिसोड जरूर पसंद आएगा। तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, अगर आप भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि अगला व्लॉग हो सकता है जल्दी से जल्दी इसी बारे में। नमस्कार।